हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के बीच में ढेर सारा भोजपुरी लोकगीतों से, भोजपुरी सिनेमा से रिलेटेड ढेर सारा वीडियो हम आप लोगों के बीच में हमेशा से लेकर आते रहे हैं। कुछ जानकारियां देते हैं, कुछ कंपनियों को आपके बीच में लाते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग स्टूडियो को आपके बीच में लेकर आते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई सिंगर जो है भोजपुरी लोकगीत से रिलेटेड है या भोजपुरी सिंगर है, गाता है, तो उसको सही प्लेटफॉर्म मिल पाए। तो दोस्तों, मेरा काम है आपको जानकारी देना और आपका काम है कि आप जानकारी को सही ढंग से समझें और सही स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो व कंपनियों का चुनाव करें। वो आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि काम आपको करना होता है, पैसे आपको लगाने होते हैं, समय आपके लगने होते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये खास चर्चा हम करेंगे कि नए पुराने जो भोजपुरी सिंगर हैं, कुछ लोग कैसे आते हैं मार्केट में और कैसे परेशान होकर फिर काम बंद कर देते हैं और उंगली उठाने लगते हैं काम करने या कराने वाले पर। तो दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो हम अपने इस चैनल पर डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज का मैटर है, जैसे बहुत से सिंगर आते हैं, आए दिन हमारे पास भी बहुत से सिंगर आते हैं, हम रिकॉर्डिंग कराते, शूटिंग कराते हैं, रिलीज़ भी कराते हैं, लेकिन कुछ सिंगर हमारे पास हैं, जैसे हो गए विजय प्रताप जी जो गुड़गांव से आते हैं हमारे पास सिंगिंग करने, हमेशा शुरुआत से हमारे कहने के हिसाब से या कुछ भी मतलब उनका प्रोजेक्ट होता है तो एक समय के अंतराल पर धीरे धीरे इकट्ठा करते और काम करते जाते हैं। और फिर हमारे साथ हैं जैसे अमरजीत चमकीला, इनका भी प्रोजेक्ट हम धीरे धीरे अपने हिसाब से काम कराते कराते लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से सिंगर आते हैं और उनका भी काम करने का एक तरीका होता है, और इन्हीं सब चीज़ों को आज मैं मैनेजमेंट के हिसाब से, मतलब अपनी जानकारी जो लोगों के साथ शेयर करता हूं और क्या गलत करते हैं क्या सही करते हैं, उन सब चीज़ों को आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि कुछ सिंगर हैं हमारे पास, आए भी आते हैं, रिकॉर्डिंग करवाते हैं हम उनका, एडिटिंग करवाते हैं, मतलब मिक्सिंग होता है, पोस्टर डिज़ाइन होता है, रिलीज करवाते हैं, वीडियो शूट करवाते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना जल्दबाजी होता है स्टार बनने का कि उनको मार्केट का माहौल है उसको भूल जाते हैं और ढंग से समझ भी नहीं पाते और आगे जाके फंस जाते हैं। होता क्या है कि देखो, ये मार्केट है, इसमें रंगारंग बहुत से लोग हैं, बहुत से डायरेक्टर हैं, बहुत से प्रोड्यूसर हैं, बहुत से काम करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आ जाओ भाई, मैं आपको तत्काल सुपरस्टार बना देता हूं, मैं ऐसा कर देता हूं, ये ऐसा नहीं कर पाता है, मैं बहुत कुछ कर दूंगा आपके लिए। और कुछ सिंगर भी ऐसे होते हैं कि मतलब वो ढेर सारे मतलब सपने देखकर आ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये नहीं मुझे स्टार बना पाए, मैं इनके पास जाऊँगा स्टार बन जाऊँगा, कोई सोचता है कि मैं उनके पास जाऊँगा स्टार बन जाऊँगा, बहुत जल्दी बन जाऊँगा। इतना जल्दबाजी उनको होता है कि कहीं ना कहीं जाकर वो घूम फिरा कर जाल में किसी ना किसी के फंसी जाते हैं और बेकार हो जाता है उनका समय, बेकार हो जाता है उनका पैसा, बेकार होने लगता है उनका सपना। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं फोकस में कर लाता हूं कि दोस्तों, अगर ऐसा आप भी करते हैं या मार्केट में आते हैं किसी के साथ या कहीं भी काम करते हैं, तो वहां पर आपको बहुत ढेर सारे लोग बनेंगे जो मिलेंगे जो आपको तत्काल सुपरस्टार बनाने की क्षमता रखते हों। और फिर प्रणाम जो होता है, बहुत से लोग तो जानते ही होंगे और आप भी समझ जाते होंगे कि काम करने का तरीका होता है एक सही दिशा पकड़कर आराम से परमानेंटली काम करना, कुछ समय का अंतराल लेकर। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं और आपको बीच में बहुत से बंदे मिलते हैं स्टार बनाने वाले, फिर समझ लो आपका काम तमाम होने वाला है। हाँ, एक बात और हम आज इस वीडियो में करेंगे कि देखो, यह एक रेस है भोजपुरी लोकगीत का, जो मार्केट है यह एक रेस है, इसमें बहुत से सिंगर आते हैं, बहुत से सफल होते हैं, बहुत से फ्लॉप हो जाते हैं। जैसे कोई सरकारी वांट निकला सर्विस के लिए, अब उसमें जैसे मान के चलो कि अगर 10,000 का जगह है, 10,000 पद खाली हैं, तो उस 10,000 पद के लिए कम से कम 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख तक का जो है फॉर्म भरा जाता है। आप सोचिए कि अगर 10,000 खाली पद हैं उसके लिए 1 लाख, 1.5 लाख या 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो उसमें सिलेक्शन सिर्फ 10,000 का ही होगा, ना कि सभी का सिलेक्शन ही हो जाता है। यानी दोस्तों, आपको मेहनत करना होगा, फिर से रीट्राई करना होगा। जब रीट्राई करते करते काफ़ी समय इन्वेस्ट करते करते और ढेर सारा तजुर्बा हासिल करने के बाद, हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको सफलता मिलेगी या आप जो है बढ़िया काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही आप बने रहिए भोजपुरी सिनेमा टीवी पर और सीखते रहिए, देखते रहिए, और ढेर सारा ऑफर, डिस्काउंट कंपनी और रिलीजिंग कंपनियां, स्टूडियो हम आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों, चलते चलते एक बात और हम कहना चाहेंगे कि हम यानी भोजपुरी सिनेमा टीवी
किसी भी प्रकार की किसी भी कंपनी के ऑफर डिस्काउंट का कोई सपोर्ट नहीं करता है। टोटल जिम्मेदारी आपका होता है, अपने समझदारी और अपने टैलेंट के बल पे काम करें ताकि जो है भविष्य आपका आपके हाथ में बढ़िया से मतलब बना रहे और आप अच्छा काम कर पाएँ। तो दोस्तों ऐसे ही आप बने रहिए भोजपुरी सिनेमा टीवी पर और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।